तो दोस्तों, वैसे तो टोनी स्टार्क ने एक से एक आर्मर बनाया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टोनी स्टार्क के जितने भी आर्मर है उनका मेन पर्पस होता है टोनी स्टार्क की रक्षा करना, यानी टोनी स्टार्क का कवच बनना, यानी टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अभी हाल ही में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिवील की। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क ने जितने भी आर्मर बनाए हैं वो सब उसकी हेल्प करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन ये जो मार्क 85 आर्मर था वो इन सब आर्मर से बिल्कुल अलग था, या कहे ये सारे के सारे जितने भी 84 आर्मर थे ये एक तरफ और मार्क 85 एक तरफ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या है मार्क 85 में। वैसे तो मार्क 85 की पावर हम लोग देख लिए हैं, लेकिन मार्क 85 का एक मेजर पर्पस था, मार्क 85 का मेजर पर्पस था स्नैप करना, ना कि टोनी स्टार्क को सेफ रखना। जब टोनी स्टार्क ने मार्क 85 बनाया तो टोनी स्टार्क ने अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं सोचा, वो सिर्फ ये सोच रहा था कि गलती से कभी भी अगर थेनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए तो उसका मार्क 85 आर्मर ही एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बन जाए। इसलिए जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया तो उसका मार्क 85 आर्मर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि पूरा स्नैप करने में उसका साथ दिया। क्योंकि देखा जाए तो मार्क 50 की तरह भी मार्क 85 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्राइडे थी, तो वो चाहती तो टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट कर सकती थी। लेकिन टोनी स्टार्क ने अपना आर्मर ऐसा डिजाइन ही नहीं किया था कि ये टोनी स्टार्क को प्रोटेक्शन दे, टोनी स्टार्क ने अपना आर्मर सिर्फ स्नैप करने के लिए डिजाइन किया था। और ये टोनी स्टार्क बहुत साल पहले से जानता था कि ऐसी नौबत आ सकती, इसलिए टोनी स्टार्क टाइम मशीन के साथ साथ ऐसे आर्मर पर काम कर रहा था जो एन मौके पर थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स लेके अपने आर्मर में अब्सॉर्ब करके स्नैप कर सके। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।